राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार यानी आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रही हैं। 7 से 9 नवंबर तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, साथ ही तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 7 नवंबर यानी आज शाम को राष्ट्रपति देहरादून पहुंच रही हैं, जिसके चलते जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर देहरादून तक सुरक्षा घेरा कड़ा किया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, राष्ट्रपति बुधवार सुबह GTC हेलीपैड से बद्रीनाथ जाएंगे और दोपहर 12:30 बजे गढ़वाल VV श्रीनगर के दीक्षांत समारोह में रहेंगे। गुरुवार को वो पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगी। ऐसा पहली बार होगा जब राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देश की राष्ट्रपति उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पहली बार कोई राष्ट्रपति शामिल हो रहा है, इसलिए उत्तराखंड के लिए यह गर्व की बात है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य को संबोधित भी करेंगी। इस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति जोली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति के देहरादून आगमन को लेकर सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक AP अंशुमान ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग की। उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इस बीच ADG AP अंशुमान, DIG प्रशिक्षण वरिंद्रजीत सिंह, DIG अभिसूचना दलीप सिंह कुंवर और SSP देहरादून अजय सिंह ने पुलिस बल को निर्देशित किया कि VVIP ड्यूटी के दौरान निर्धारित समय से 3 घंटे पहले अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंच जाएं। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। CMO डॉक्टर संजय जैन के निर्देशन में हेल्थ पोस्ट दवाओं की व्यवस्था कराई जा रही है। 2 मेडिकल टीमें भी बनाई गई हैं। देहरादून अस्पताल में DMS डॉक्टर धनंजय डोभाल ने VIP वार्ड को राष्ट्रपति दौरे के लिए आरक्षित करवाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय UP उत्तराखंड।